दोस्तों, मैं हूं मेघराज और मैं आज आपके लिए ले आया हूं एक ऐसी सेटिंग जिसकी मदद से आप आपके स्मार्टफोन को काफी फास्ट चार्ज कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, होता क्या है कि हमारे मोबाइल में एक फंक्शन पहले से अवेलेबल होता है, लेकिन हम उसे एक्टिव नहीं करते हैं या हमको मालूम नहीं होता। उस स्थिति में हमारा मोबाइल अपने आप को चार्ज करने में काफ़ी डिले कर देता है और हम बहुत टाइम को वेस्ट कर देते हैं केवल फ़ोन को चार्ज करने में। अगर दोस्तों आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप कंप्लीटली वो जरूर करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मैं आज आपको बताऊँगा उसकी मदद से दोस्तों आप आपके फोन को काफी फास्ट चार्जिंग कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, किस प्रकार हम अपने मोबाइल को फास्टली चार्ज करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसी के साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए फ्रेंड्स, तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम नई से नई वीडियो लाएं तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें और प्यारा सा कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार अपने मोबाइल के बैटरी को फास्टली चार्ज कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, हमारे फ़ोन में एक फंक्शन पहले से अवेलेबल होता है जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है, वो भी आप जानेंगे और आप किस प्रकार अपने मोबाइल को फास्टली चार्ज कर पाएंगे, फुल ऑन चार्ज। वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको आपके फ़ोन के सेटिंग ऑप्शन पर जाना होगा। इस ऑप्शन पर जाने के लिए सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा। मैं इस पर सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर यहाँ पर आपके सामने बहुत से ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें आपको जिस ऑप्शन के अंदर जाना है, वो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर नज़र आ रहा है ड्राइव केयर। ड्राइव केयर नाम से एक फंक्शन आपको मिलेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए यहाँ पर हमने क्लिक करा। क्लिक करते हमारे पास बहुत से फंक्शन आ गए और हमारी यहाँ पर जो चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसने बता दिया कि मेरा फ़ोन में जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रही है वो फुल ऑन अपडेटेड है। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि नीचे एक फंक्शन आता है, अभी मैं मेरा मोबाइल को चार्जिंग पर लगा लेता हूँ। दोस्तों नीचे एक फंक्शन आता है, उस फंक्शन का नाम है ऑप्टिमाइज नाउ। इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। ऑप्टिमाइज नाउ पर जैसे ही हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से हमारा फ़ोन ऑप्टिमाइज होने लग जाएगा। ऑप्टिमाइज्ड होने के बाद हमारे फ़ोन में जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस चल रही थी, जो हमारा बैटरी बैकअप खा रही थी, उससे हमें काफ़ी बचत मिलेगी और हमारा फ़ोन फुल ऑन ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। इससे ऊपर दोस्तों आपको एक ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहा है एडवांस का, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है रीसेट और ऑप्टिमाइज, अपने आप को आप रीसेट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आपने अगर ये फंक्शन आपके फ़ोन में ऑन नहीं है ऑप्टिमाइज योर सेटिंग, तो इसको कर लें, क्योंकि यही आपके बैटरी बैकअप को सेव भी करेगा और आपके फ़ोन को फास्ट और फुल ऑन चार्ज करने में भी मदद करेगा। इसके अलावा बहुत सी एप्लीकेशन इशू है जो ये हिस्ट्री यहाँ से बता देता है। इसके अलावा हम अपने फ़ोन पर क्लिक करते हैं। अब आपको वो जानना है कि अपने फ़ोन को फास्टली चार्ज किस प्रकार करना है, तो आपको अपने बैटरी बैकअप पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ बहुत से ऑप्शन आ चुके हैं, लेकिन इसमें हमको अभी इस वाले ऑप्शन पर जाना है। सबसे पहले नीचे वाले ऑप्शन पर, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने एक ऑप्शन नीचे नज़र आ जाता है। यहाँ पर आप सिर्फ स्लीपिंग मोड में होते हैं तो आपके सभी यूज्ड ऐप को आप स्लीप में कर दें, और यहाँ से आपका फ़ोन का जो ये है अवॉइड बैटरी, इसको एक्टिवेट कर लें, जो आपके लिए फुल ऑन काम आएगा। अब हम करते हैं पावर मोड में ऑप्टिमाइज, तो पावर मोड में हमारे पास पावर सेविंग जैसे भी ऑप्शन आ जाते हैं, जिनका भी आप यूज़ ज़रूर करें। बैटरी यूजिंग में आप अपनी बैटरी का यूजिंग देख पाएंगे, जिसकी मदद से आपका फुल ऑन मोबाइल पता चल जाएगा कि हमारा मोबाइल कितना यूज़ कर रहा है। तो दोस्तों इन सब की मदद से आपका फ़ोन काफ़ी हद तक शानदार हो जाएगा। आपके फ़ोन में कुछ एप्लीकेशंस पहले से आती है जिनकी मदद से हम अपने फ़ोन को काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज कर पाएंगे और हमारे फ़ोन को काफ़ी
ऑल गुड या वेल गुड कर पाएंगे। दोस्तों शानदार फीचर है, इनका जरूर यूज करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी जाननी है तो किस प्रकार जानेंगे उसके लिए आप हमें कमेंट करें, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको जरूर देंगे। और दोस्तों हमारा फ़ोन अब फुल ऑन फास्टली चार्ज होने लग जाएगा ताकि हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए मैंने जो ऑप्टिमाइज नाउ बताया है ये जरूर कर लें दोस्तों, और यहाँ से आपका फ़ोन फुल ऑन ऑप्टिमाइज हो जाए तो उससे आपका फ़ोन की बहुत हेल्प मिलेगी। और दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर यहाँ से आप एडवांस फंक्शन को ऑन करके इस नीचे वाले इस फंक्शन को और इस फंक्शन को ऑन कर ले, ताकि इससे होगा क्या कि आपका फ़ोन की जो बैटरी बैकअप है उसमें बचत मिलेगी और आपका बैटरी जल्दी से जल्दी फ़ोन लोडेड और भर जाएगा। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से प्रेम पूर्वक हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों जब आप फ़ोन को चार्ज करते हैं तो यहाँ पर पता चल जाता है कि आपके फ़ोन की चार्जेबिलिटी कैसी है। आपका फ़ोन स्लोली चार्ज हो रहा है, फास्टली चार्ज हो रहा है, यहाँ पर आपको बता देगा हमारा फ़ोन फास्टली चार्ज हो रहा है। देखिए दोस्तों 9 हो चुका है, 4 घंटे 22 मिनट में हमारा बैटरी फुल हो जाएगा। वैसे भी हमारा फ़ोन बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार अपने फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया फ्रेंड्स तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे फ़ोन को सब्सक्राइब या हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।